नीमच में कोरोना कर्फ्यू के बाद नीमच जिला अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। उसी के तहत व्यापारियों को व्यापार करने के लिए शासन की गाइडलाइन के नियमों का पालन करना होगा। शासन के नियमों रूल ऑफ 6 के तहत सभी व्यापारियों को व्यापार करने से पहले रैपिड एंटीजन कोरोना का टेस्ट कराना अनिवार्य है। डॉक्टर महेंद्र पाटिल ने बताया कि व्यापारी अपना व्यापार कर सकते हैं। व्यापारियों को अपने साथ साथ अपने कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट कराना होगा और नीमच शहर में अभी तक 1770 व्यापारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा चुका है। रूल ऑफ 60 का नियम पालन करने के लिए हम कार्ड बनाना है। इस कार्ड को बनाने के बाद अपन दुकान खोल सकते हैं हम लोग। और हमको दिक्कत इसमें ये आ रही है कि अगर ये इसको हफ्ते की बजाय अगर एक महीने का करा जाए तो हमको सुविधा होगी। अगर हर हफ्ते हम करवाने आएंगे तो धंधा कब करेंगे हम। और ये कानून का नियम के हिसाब से हम कार्ड बनवाने आए हैं और ये बढ़िया है। मास्क लगाएंगे हम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और माल पैक करके आपको देंगे हम। रूल ऑफ 60 कहता है कि इसको कार्ड को बनाना जरूरी है, वरना इस आप धंधा नहीं कर सकते हो। व्यापार नहीं कर पाओगे आप, इसका कार्ड बनाने के बाद ही आप व्यापार कर सकते हो। जो साप्ताहिक जांच हो रही है ना, इसको मंथली कर देना चाहिए ना। और नंबर एक, ये जो 400 टोकन बांट रहे हैं ना, कर्मचारी अपने हिसाब से व्यवस्था बढ़िया बना रखी है। गवर्नमेंट ने अच्छा ध्यान दे रही है ना। चार जगह सेंटर खोलने से कुछ नहीं होगा ना। अगर मान लो 400 पर व्यक्ति अगर डेली आएंगे ना, तब भी आपके टोकन कार्ड बनते रहेंगे ना। एक समस्या है कि यहाँ पर एक कमी देखी है। रूल ऑफ 60 कहता है कि व्यापारी को जब तक कार्ड नहीं बने, जब तक दुकान का शटर ऊपर नहीं करना चाहिए ना। और अगर शटर ऊपर करता है तो व्यापारी ही अपने खुद जिम्मेदार होगा ना। पहले यहाँ आओ, एक दिन नहीं, दो दिन, तीन दिन लगे, पहले कार्ड बनवाओ, उसके बाद दुकान खोलो। गवर्नमेंट के नियम को मानना बहुत जरूरी है ना। नंबर दो, कर्मचारियों के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। जैसे अभी 15 मिनट पहले एक व्यक्ति आया था ना, अनाप शनाप बोल रहा था, मैं उसका नाम भी जानता हूँ ना। ऐसा कर्मचारियों के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए। 6 के तहत व्यापारियों को, जिनको भी व्यापार करना है, उन्हें कोरोना की रैपिड एंटीजन का टेस्ट करवाना है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वे अपने व्यापार कर सकते हैं। उनके यहाँ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके भी साथ के टेस्ट करवाने जरूरी है। और ये हर 7 दिन में उनको रिपीट टेस्ट करवाते जाना है। अभी तक हमने 1770 व्यापारियों के टेस्ट कर चुके हैं। कल सर, किस तरह से ये टेस्ट चल रहे हैं, आगे तक किस तरह बढ़ते आ रहे हैं? ये प्रतिदिन होना है। जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है ये लगातार चालू रहेगी। सारे व्यापारियों के और उनके कर्मचारियों के टेस्ट हम करते रहेंगे और जब तक के अगले आदेश ना आए तब तक ये इस रूल का पालन किया जाएगा। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।